कुछ आपने साइन किया हुआ अभी है? तक नहीं किया साइन आपने नहीं किया, सो दिस इज योर इन टर्म्स ऑफ ड्रामा, दिस इज योर ओनली ड्रामा दैट राइट नाउ. राइट यस, नाउ, अभी तक कुछ और नहीं किया. फिल्म ये जो आप बता रहे हैं उसके नहीं, अलावा दैट्स भी इन कोई द फिल्म? पाइपलाइन. उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम आ रहा है अभी. आई एम नॉट श्योर, मैं भूल भी जाती हूँ. मुझे भूल भी जाता है, जिस तरह आपको जो किया पता हुआ काम तो नहीं माहे भूलता होगा है. मुझे ना? ग्रे भूल गया था, आपको पता है. मैंने एक और वेब सीरीज की थी, मुझे वो भी भूल गई थी. वो फिर जब चलनी शुरू होती है चीज़ें तो मुझे याद आता है कि अच्छा तो हाँ ये आपने मैंने चेक किया है. कराया तो किसी से कि क्यों भूल जाती हैं आप चीजें? मैं मूव ऑन कर जाती हूँ ना. अच्छा, उस सेंस में फॉर भूल मी जाती इट्स हैं। जस्ट द प्रोसेस. मैं काम नहीं देखती, बहुत कम देखती हूँ. आपको पता है मैंने ग्रे किस तरह देखना शुरू किया? मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आनी शुरू हो गई. अच्छा, ठीक है, किन की? मतलब लोगों की, जिस तरह एक दो मेकअप आर्टिस्ट की मुझे कॉल आए, मेरी एक खाला की कॉल आए, एक दो और लोगों की कॉल आए. वो मुझसे कॉल करके जब वो पूछना शुरू होता है ना कि अब इसमें क्या होना है, तो फिर मैं देखना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे तो भूल चुका होता है कि हुआ अच्छा, क्या वेरी है. इंटरेस्टिंग। खई के लिए आपको नहीं कॉल आएगी कि खई में क्या होगा, इनके मर जाएगी, बच जाएगी, इनकी शादी होगी नहीं होगी? आई वुड रिज्यूम के वहां आई पे थिंक खाई देख रहे हैं लोग, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा नहीं है कि क्या होगा. वैसे अब क्योंकि पहले पूछते थे ना, तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया. अब आई थिंक पीपल हैव गिवन अप, क्योंकि पहले मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा होता था, ये ऐसा मुझे तो नहीं पता कि ही लोग पहचान नहीं ही नहीं रहे कि ये आप ही हैं जो खई में इतनी मासूम, इतनी होता था. ऐसे भी हो सकता है, गलेबल और ऐसे इतनी भी हो बेचारी नाइव सी सकता लड़की प्ले कर रही है, उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि यार इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि ये माए हो ही नहीं सकती। पता नहीं. मैं बताती ही नहीं हूँ. जैसे पहले लोग मुझसे पूछते होते थे बहुत ज़्यादा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो मैं कहती थी आप देखें. मतलब हमने इसीलिए बनाया ना कि लोग देखें, हम क्यों आपको बताएं कि क्या होगा. और मुझे हाँ पता भी नहीं होता था, तो मैंने स्क्रिप्ट इतना आप याद नहीं रख सकते ना. आप शुरू के ही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, 10-15 एपिसोड ही पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे साथ साथ आ रहा होता है, फिर आप भी ट्रैक लूज कर जाते हैं. अच्छा, माय अभी ऑब्वियसली आई हैव आल्सो इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ अब जैसे यंग। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ मैं खई एज अ व्यूअर देख रही हूँ. मैं मुझे सिर्फ अपना पता है और बरलास का पता है, और मुझे उसके अलावा किसी का कुछ नहीं पता. तो आप थी मैंने सेट पढ़ा के भी नहीं. ऊपर, शूट पे थी बट आप, आप इस तरह तो आपके नहीं. सामने पूरा शूट हुआ है सारा कुछ। हाँ, लेकिन बहुत चीज़ें जहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं थी, मुझे नहीं पता ना. तो मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं है कुछ। मैं वैसे बता रही हूँ कि, और मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेती भी नहीं हूँ. मुझे खुद भी एज अ व्यूअर ही देखना होता है चीज़ें. ग्रे की मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी हुई, मुझे ग्रे का कुछ नहीं पता. मुझे ये भी नहीं पता अच्छा, वेदर ही इज़ डन इट और नॉट. आई डोंट नो, नो बडी नोज. आई थिंक समी ऑल्सो डेंट नो, नो बडी डिस्क्लोज इट. सोहेल डेंट डिस्क्लोज इट. आई थिंक द लास्ट एपिसोड वॉज नॉट डिस्क्लोज टू एनी वन, सो वी डोंट नो. बट देन एवरीबडी शॉट इट राइट आई एट थिंक सम पॉइंट। दे वर नॉट श्योर. हाँ, बाय द वे, व्हेन यू आर डूइंग सीन्स, आपको नहीं पता था, क्योंकि हम सीक्वेंस में थोड़ी शूट कर रहे होते हैं. नो, एक और सवाल मेरे जहन में ही आता है कि अगर आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा तो हाउ डू यू नो इफ इट्स अ गुड स्टोरी और नॉट अ गुड स्टोरी, एंड इफ इट्स अ स्टोरी आई वर्थ मीन ऑफ टेलिंग? कोर्स वी गेट द रीडिंग. हमें ओके, द वन पूरा, लाइनर नॉट आपको। वन लाइनर, पूरी स्टोरी आपको नरेट की जाती है, बताया जाता है. एंड देन आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, सो आई हैव ओके, माय वेज टू गेज. तो मैं पूछ लेती हूँ, मैं अपने से ज़्यादा दूसरों के ट्रैक का ज़्यादा पूछती हूँ. अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरा तो मुझे अच्छा ही बताना है ना. अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि एज एन एक्टर इट्स योर जॉब टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड ऑफ कोर्स यू नो एक जॉब की नेचर ऐसी है कि आपको बहुत सारी पर्सनालिटीज प्ले करने का मौका मिलता है। डू यू ऑल्सो थिंक के स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की सेंसिटिविटी बढ़ गई है और लोग उसको बड़ा समझते हैं, गहराई से लोग चीज़ों को देखते हैं, एक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है? डू यू फील रिस्पॉन्सिबल यार कि मैं जिस कहानी का हिस्सा बनने जा रही हूँ, जो कहानी बताने जा रही हूँ, उसका ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा? आपका क्या थॉट प्रोसेस? या आपको लगता है कि यार और जैसे एक सर्टनली एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ड्रामे या फिल्में जो हैं वो कोई आपको एजुकेट करने के लिए नहीं बनाई जाती, एंटरटेन करने के लिए बनाई जाती हैं, दे शुड बी रूम फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स। क्या आपका थॉट प्रोसेस है? मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है. मुझे नहीं लगता, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि नाउ दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरीज दैट आर बीइंग टोल्ड एंड वट एवर कैरेक्टर दैट दे प्लेइंग. आई पर्सनली फील कि जिस तरह आई प्लेड अ मुस्कान, आई प्लेड अ निमरा, एंड यू आस्क्ड मी वाई, एंड वाई नॉट. हर तरह के इंसान हैं दुनिया में. नेचुरली जब आपका राइटर एक किरदार लिखता है, या एक एक्टर प्ले करता है, या डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, हम सबकी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है. बेस्ड होता है कैरेक्टर किसी ना किसी के ऊपर, या किसी. अब जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक कैरेक्टर प्ले किया था यमुना ने बिलाल के साथ. प्यार मैं के उस, साथ के हाँ, मैं कभी ना कर सकती रिलेट उस कैरेक्टर से. मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड की जो बेटी है ना, वो एग्जैक्टली वो चीज़ है जो उसने प्ले किया है.
तो आई डोंट नो उसने इंस्पिरेशन लिया नहीं लिया या जिसने लिखा है उसने किसी से लिया, बट आपको लगता है इस तरह के लोग एग्जिस्ट नहीं करते, बट करते हैं. वो मुझे लगता था मैं उसी को ही टीवी पे देख रही हूँ. तो नेचुरली जब कोई कैरेक्टर लिखा जाता है तो वो कुछ तो दिमाग में रख के लिखा जाता है, और हर तरह का इंसान मौजूद है दुनिया में, और आप क्यों नहीं प्ले कर सकते उसको? क्यों आपने एक ही तरह का कैरेक्टर प्ले करना है, एक ही तरह का हीरो या एक ही तरह की हीरोइन क्यों, या एक ही तरह का आप? या ना तो आप बिल्कुल अच्छे होते हैं ना आप बिल्कुल बुरे होते हैं, यू यिन एंड यांग, सो व्हाई नॉट? मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती मैं, क्योंकि इस तरह के लोग हैं और आप वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, राइट? तो अच्छे लोग भी आप प्ले कर रहे हैं, उनसे तो कोई नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा, बुराई से क्यों हो रहे हैं? मेरे ख्याल में एक कॉन्वर्सेशन ये है कि कई बार हमारे ड्रामों में ऐसा होता है कि कुछ गलत किरदारों के गलत एक्शंस को प्रॉब्ली ग्लोरीफाई ग्लोरीफाई कर कर दिया देते जाता है हैं. या उनको अप्रोप्रिएटली एड्रेस नहीं किया जाता। डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, अब्यूज़ की बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेज होते हैं जिनको बड़े कैजुअली डील कर दिया जाता है। बट मेरा सवाल इससे रिलेटेड यूं था कि खई के बारे में एक बात ये भी हो रही है कि उन्होंने फैसल से भी ये बात पूछी थी कि यू नो एंड यू अगेन डायरेक्टली आपका इस बात से ताल्लुक नहीं है बट यू सीम समबडी हु विल हैव इनसाइट इनटू दिस एंड एन ओपिनियन कि आपने पख्तून कल्चर को हाँ, स्टीरियोटाइप कर दिया सबसे है। पहले तो मैंने ड्राइवर ने ही गिला किया मुझसे. अच्छा किया। सबसे पहले मैं गाड़ी में बैठी, पहले एपिसोड या दो एपिसोड आने के बाद से कहा आपने हम बटानों को बड़ा गलत दिखाया. मैंने कहा सॉरी लाल, ठीक है, हिज नेम इज लाल. तो बट लाइक अब ज़रूरी तो नहीं हम ये दिखा रहे हैं तो अब हर कोई वही करेगा जो ये कर रहे हैं. बाकी ये होता है, मैं खुद अफगान हूँ तो हम पाकिस्तान इसी तरह आए थे क्योंकि खई हो गई थी. मर्डर हो अच्छा गया था मेरे ग्रैंडफादर के अब्बू से, किसी का गलती से, एंड देन द एवरीबॉडी योर वाज ग्रेट आउट. ग्रैंडफादर। या ग्रेट ग्रैंडफादर्स फादर वो किल्ड समबडी बाय मिस्टेक एंड एवरीबॉडी वाज बाय आउट मिस्टेक। बाय मिस्टेक. यस, इट वाज एक्सीडेंटल, सो ओके एवरीबॉडी वाज आउट टू गेट हिम हिज फैमिली. तो ये होता था, ये हुआ है, तभी हम उसका बाय प्रोडक्ट हैं, हम यहाँ आ गए. वो ही हैड टू बट फ्ली. दैट वाज लाइक वन कुड आर्ग्यू सेंचुरीज अगो राइट। या बट आई मीन आप इंस्पिरेशन तो किसी ना किसी इवेंट से तो लेते ही हैं ना. तो मुझे भी ये बहुत वो लगता कि ये क्या बात कर रहे हैं या ये क्या कॉन्सेप्ट है, बट मुझे तो पता था कि हम इसी तरह यहाँ पे आए थे, इसी वजह से आए थे, तो ये होता था. बट सर्टनली यू आर अवेयर कि ये कॉन्वर्सेशन एक है एंड हाँ लोग आपसे अगर कह भी रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक सेंटिमेंट है, लोग ये समझते हैं यार कि जैसे आपने गन कल्चर दिखाया है। अगेन जाती तौर पे मुझसे पूछे मैं खई को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए एक ऐसी कहानी है, उसकी एग्जीक्यूशन ऐसे हुई हुई है जो कि अमूमन हम ड्रामों में नहीं देखते। यू नो दिस नॉवल्टी वैल्यू देयर, आई एम एंजॉयिंग इट। बट ऑब्वियसली यू नो सम पीपल हु बिलोंग टू दैट एरिया दे हैव देयर कंसर्न्स कि यार कि मतलब एक एक्सेंट को लेके एक ऑब्वियसली ये है कि यार नॉट एवरीबडी इज कैरिंग गन्स ऑल द टाइम एंड किलिंग अराउंड पीपल। See, this माई ड्राइवर इज फ्रॉम पेशावर एंड ही सेड व्हाट आर यू डूइंग. हाँ सी बट तो फिक्शन भी तो हो सकती ठीक है. है। नो ऑब्वियसली यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट क्योंकि ना आपने लिखा है ना आपने डायरेक्ट किया है। मैं तो वैसे आपका कुछ एक एक्टर्स लेते हैं, अभी मैं यहाँ पे आने से पहले किसी डायरेक्टर से फ़ोन पे बात की थी, वो मुझे एक हमारी ए लिस्टर है उनकी बात कर रहे थे कि अब वो बड़ी केयरफुल हो गई है, नाउ शी इज़ ओनली वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स जिनके सोशल कॉज के ऊपर बात हो, ये वो. तो आई थिंक ईच टू देयर ओन, दैट्स वॉट शी वॉन्ट्स नाउ एंड दैट्स वॉट सम पीपल वॉन्ट, के वो रिस्पॉन्सिबल. भाई बट यू आर ओपन टू टू आइडियाज। आई एम एन आर्टिस्ट, माई जॉब इज़ टू परफॉर्म, आई विल परफॉर्म अ कैरेक्टर, ठीक लेकिन है? आपको तो याद ही नहीं रहता माँ है परफॉर्म करके, तो परफॉर्म करते उसके हुए तो बाद याद तो होता है यार भूल ना, जाती हैं आप। परफॉर्म करते और हुए तो आगे का याद भी होता आप नहीं है. बता रही हैं अभी कि क्या है पाइपलाइन में, मजीद क्या सोचा हुआ आपने, फिल्में करनी है मजीद, टीवी करना है, लीड करना है या नहीं एनीथिंग करना दैट है। कम्स टू मी एंड इज एक्साइटिंग इनफ फॉर मी टू लीव माई बेड फॉर 9 months स्ट्रेट, यस आई विल डू इट, आई एम ओपन टू इट गाइस. 9 मंथ से ज्यादा कुछ भी हो आपने मना कर देना मैं कर लूंगी, आप मुझे कन्विंस तो करें. मुझे मजा तो आए, जिस ठीक तरह है। पाना नहीं किया हुआ था, मोना हैदर नहीं किया था, तो अच्छा लगा मुझे करके. नो आई होप कि अपाना के बाद आपको मजीद कैरेक्टर्स ऐसे ऑफर हों हुए हैं ना डिफरेंट अब, तरह के, अभी उन्होंने कहा ऐसे मुझे, नहीं कि हाँ पख्तून अब ही फिर क्या से है। आ गया ना कि अब वो पश्तो लड़की है पठान है. मैंने कहा नहीं, अभी मैंने बंगाली करूंगी या पंजाबी करूंगी, अभी नहीं करना मुझे पठान.